दोस्तों एक होता है हिंदी मीडियम, एक होता है इंग्लिश मीडियम और एक होता है मारवाड़ी मीडियम जहाँ से मैं पढ़ के आया था। जैसे जैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर आता गया मुझे भी कॉलेज की हवा लग गई, हवाबाजी के चक्करों में पड़ गया और मैं चार नंबरों से फिर से फेल हो गया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, एक कहावत होती है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ना मैं भाग सकता था, ना मैं पढ़ पा रहा था, ना मैं लड़ पा रहा था। मेरी माँ ने कहा कि मेरे जो गहने हैं उनको हम गिरवी रख देंगे, लेकिन इसकी जहाँ पढ़ने की इच्छा है इसे वहीं पढ़ाएंगे। दुनिया भी अब ये मान चुकी थी कि अब ये खत्म है, शादी हो गई है, अब ये इसके बाद में कुछ नहीं कर सकता है। जब मैं स्कूल में था तब एक बार मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि जब किसी के पिछवाड़े में आग लगती है तो वो रॉकेट की तरह ऊपर उड़ने लगता है। पहले तो ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन आज इतने सालों के बाद में उनकी ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। क्यों? क्योंकि जब मुझमें ये आग लगी तो मैंने वो एग्जाम क्रैक करके दिखा दिया जिसके बारे में मैं खुद भी नहीं सोच सकता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत। आज से कुछ महीने पहले मैं दुनिया की नजरों में जस्ट एक लूजर था, लेकिन आज मैं एक जीएसटी इंस्पेक्टर हूं जिसने एसएससी सीजीएल 2018 क्रैक किया, जिसने 700 में से 600 अंक भी प्राप्त किए। दोस्तों इस एग्जाम को बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रैक किया होगा, लेकिन उनमें और मुझ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो डिफरेंस था दोस्तों डायरेक्शन का और गाइडेंस का। उन लोगों को पहले से पता था कि उन्हें लाइफ में क्या करना है और उन्हें फ्यूचर में क्या बनना है, लेकिन मुझे तो पहले से कुछ भी नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या करना है और क्या बनना है, ना ही मेरे पास में कोई गाइड करने वाला था। अगर मैं अपने मार्क्स के बारे में बताऊं दोस्तों तो वो इतने कम है कि मुझे बताने में भी शर्म आ जाएगी। जहां स्टूडेंट्स 10th 12th में 80% 90% लेकर आते हैं, मेरा थ्रू आउट एकेडमिक मैं 50% पर ही हमेशा अटका हुआ रहता था। एंड मेरे मैथ्स के अंदर दोस्तों 12th क्लास में 33 मार्क्स थे और 10th क्लास की मैथ्स में मेरे 36 मार्क्स थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 33 मार्क्स और 36 मार्क्स। इसके बावजूद मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। कैसे खड़ा हूँ यही बताने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों शुरुआत करते हैं मेरी इस कहानी की। ये शुरू होती है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जिसका नाम है मिन्नाणा। मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ। राजपूत शब्द पर मैंने इसलिए ज़्यादा फोकस किया दोस्तों क्योंकि हमारे यहाँ पर दो कहावतें बहुत ज़्यादा फेमस है। पहली ये कि दिन अस्त बना मस्त, इसका मतलब आप खुद समझ सकते हो, और दूसरी कहावत ये कि या तो राजपूत आबाद होगा या राजपूत बर्बाद होगा। आबाद होते हुए तो मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है। तो कुछ इस तरीके की फैमिली में मैं पला बड़ा और स्टार्टिंग में पापा हमारी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थे क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड थे, पर समय ने उनको जगाया और वो हमें लेकर एक छोटे से शहर में आ गए कि हम लोग पढ़ लिख कर कल को कुछ अच्छा बन पाए, और यहाँ मेरा एक एडमिशन स्कूल में करवा दिया। अब दोस्तों उन्होंने एडमिशन तो करवा दिया लेकिन असली पापड़ तो मुझे बेलने पड़े। दोस्तों एक होता है हिंदी मीडियम, एक होता है इंग्लिश मीडियम और एक होता है मारवाड़ी मीडियम जहाँ से मैं पढ़ के आया था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ से मैंने अपनी अभी तक की पढ़ाई करी थी वहाँ मुझे हिंदी तक बोलना नहीं आता था, और यहाँ मुझे 7th क्लास में इतनी बड़ी क्लास के अंदर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया जिस बंदे को हिंदी बोलना नहीं आता है, सारी किताबें इंग्लिश में हो गई। जितना भी मुझे नॉलेज आता था वो सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो गया। मुझे फिर से सब कुछ शुरुआत करनी थी। ना मुझे कोई गाइड करने वाला था स्कूल में, ना घर पर कोई गाइड करने वाला था। हालत इतने बुरे हो गए थे दोस्तों कि टीचर क्लास में आता था तो मुझे क्लास से बाहर जाना पड़ता था। मेरा मन करता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। एक दिन मैंने कोशिश भी करी पापा से बात करने की कि पापा मुझे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो पापा ने मुझसे कहा कि देख बेटा, तेरे लिए ही तो हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के इस शहर में आए हैं और तू यहाँ से भागने की बात करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, एक कहावत होती है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ना मैं भाग सकता था, ना मैं पढ़ पा रहा था, ना मैं लड़ पा रहा था, बस अपना समय में बर्बाद करता चलता गया, आगे बढ़ता गया। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर डेवलप होना शुरू हो गया। मैं सहमा सहमा सा रहता था जहां पर भी जाता था। खैर जैसे तैसे करके मैंने अपना एक और स्कूल बदला एक, और 12th क्लास में मैंने एडमिशन अपना, खैर रो धोकर मैंने अपनी 12th वहां से कंप्लीट करी। और उसके बाद में मुझे भी एक भेड़ चाल का हिस्सा बनना था। मुझे आज भी याद है कि मेरे 12th में बहुत ही कम परसेंटेज थे जिससे मुझे एडमिशन मिलना किसी भी कॉलेज में बहुत मुश्किल था।
तो उस दौरान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का बहुत ऐड आता था टीवी में। मैंने वहां जाने की जिद करी। जब पापा को उसका फीस स्ट्रक्चर बताया तो पापा ने मना कर दिया कि हम इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खर्चा। और पर माँ तो माँ होती है, मेरी माँ ने कहा कि मेरे जो गहने हैं उनको हम गिरवी रख देंगे, लेकिन इसकी जहाँ पढ़ने की इच्छा है इसे वहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरे मम्मी अनएजुकेटेड थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी भी फैसिलिटी से वंचित रह जाऊं या मैं उस चीज़ से दूर रह जाऊं। तो खैर मैं अपने कॉलेज में पहुंचा, पहले सेमेस्टर में पहुंचा। इस बार मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था कि अब एक फ्रेश स्टार्ट करना है। अभी तक की लाइफ तो बर्बाद करी, अब कुछ बनना है और कुछ करके दिखाना है लाइफ में। अच्छे से पढ़ाई में सीरियस हो गया, मैंने अच्छे से सेमेस्टर में अपना परफॉर्म किया, क्लास में भी एक अच्छी रैपो बन गई कि ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है। पर दोस्तों उस दौरान मेरी जो मैथ्स की टीचर थी उन्होंने एक बार मुझसे ये कहा था कि दीपेंद्र तुम्हें मैथ्स ओलंपियाड के अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो दोस्तों आप सोच सकते हो 12th क्लास में जिसके मैथ्स में 33 मार्क्स थे उसको ये कहा गया कि तुम्हें मैथ्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये वर्ड्स मेरे लिए बहुत ही सुखदायी थे, मुझे बहुत ही मोटिवेशन यहाँ से मिली थी। पर आज आपको लोग आपको मैं एक सक्सेस का राज बताता हूँ दोस्तों। जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो कभी भी अपनी दिशा से भटकता नहीं है, वो एक ही दिशा में आगे निरंतर बढ़ता रहता है। और हम जैसे लोग जो सक्सेस की तलाश कर रहे होते हैं वो कभी इधर तो कभी उधर भटकते रह जाते हैं। इस चक्कर में हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है और हम लोग अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। और ये बात मैं इतने दावे के साथ इसलिए बोल सकता हूँ दोस्तों बिकॉज मैंने भी यही गलती करी थी। जैसे जैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर आता गया मुझे भी कॉलेज की हवा लग गई, हवाबाजी के चक्रों में पड़ गया और जिस महल को मैं अपने हाथों से बना रहा था उसे मैंने अपने हाथों से बिगाड़ना शुरू कर दिया। पर दोस्तों आता है ना हर किसी की लाइफ में एक वो समय जब आप बीते हुए कल को याद करते हो और आप ये सोचते हो कि आप क्या कर सकते थे और आप क्या कर रहे हो। तो ऐसा ही समय मेरी लाइफ में भी आया, तब मैंने सोचा अपनी फैमिली के बारे में, पापा के बारे में कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और मैं ऐसी फैमिली से भी बिल्कुल नहीं आता था कि मैं पूरी ज़िंदगी भर सिगरेट के और बियर के नशे में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँ। जब मैंने अपनी फैमिली और अपने बारे में सोचा, अपने कैरियर के बारे में सोचा, तो एक मैच्योरिटी ने मेरे अंदर जन्म लिया। और ये वही दिन था दोस्तों जब आप ये बोल सकते हो इस डायरेक्शनलेस लड़के को एक डायरेक्शन मिल गई। लेकिन पता अब भी नहीं था कि करना क्या है। तो एक दिन मैंने क्या किया, अपना बैग उठाया और मैं दिल्ली चला गया जहाँ मेरे कुछ दोस्त थे आईएएस की तैयारी कर रहे थे। तो मैं भी कभी इस कोचिंग सेंटर के बाद कभी उस कोचिंग सेंटर के बाद भटक रहा था और यूपीएससी टॉपर्स के फोटो देख देख के पागल हो रहा था, मेरे भी हाल हो गए थे। खैर दिन भर धक्के खाने के बाद मैं धूप में शाम को जब मैं अपने कमरे पर पहुंचा तो सभी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, बोले तू बनेगा आईएएस, तूने अपने मार्क्स देखे हैं, रोज होकर तो तू पास होता है, अगर तू आईएएस बन गया तो दुनिया का कोई भी इंसान आईएएस बन जाएगा। ये बात बहुत मुझे चुभने वाली थी, मुझे बहुत बुरा लगा ये वाली बात सुनकर, पर उनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी। मैंने अभी तक खुद को कभी कुछ प्रूव किया ही नहीं था। वहां पर मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड भी था, उसने मुझे समझाया, देख दीपेंद्र तू और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स के पास इतना पैसा और इतना समय अब नहीं है कि हम अपनी ग्रेजुएशन के बाद में और इतना टाइम लगा दें और अपना यहाँ पर समय भी बर्बाद कर दें और हो सकता है पैसा भी बर्बाद कर दें। यूपीएससी सिर्फ जोश का खेल नहीं है, जोश और होश का खेल है। तो उसने मुझे समझाया कि एसएससी की तैयारी करके भी हम एक प्रेस्टिजियस इंस्पेक्टर की पोस्ट ले सकते हैं। वो भी एसएससी की तैयारी कर रहा था और मैं भी अब एसएससी की तैयारी में भिड़ चुका था क्योंकि मुझे उसकी ये बात सही लगी थी कि एक बार एसएससी की जॉब ले लेते हैं उसके बाद करता रहूंगा मैं अपने यूपीएससी की तैयारी। तो हम लोग ने अपनी एसएससी की जर्नी को स्टार्ट किया। खैर उस समय ना यूट्यूब चैनल इतने थे, ना इतना कोई गाइड करने वाला था, कुछ पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था तो मेरे 52 मार्क्स आए थे और दोस्तों ये वाला स्कोर मेरे लगभग 15 से 20 मॉक टेस्टों तक बना रहा था। धीरे धीरे करते करते मैं अपने थ्रेशोल्ड को ब्रेक करता गया, अपने एफर्ट्स लगाता गया और आगे बढ़ता गया और खुद को मैंने आपको बताइए मैंने स्क्रेच से अपने आप को शुरुआत करी थी। तो दोस्तों इसी के साथ में मैंने 2016 का सीजीएल का प्रीलिम्स दिया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, मुझे याद है मेरे 163 मार्क्स थे और मैंने प्री निकाल लिया। तो घर वाले भी खुश, मैं भी थोड़ा सा खुश कि चलो जिंदगी में कुछ तो करके दिखाया क्योंकि अभी तक तो मैंने घर वालों की सिर्फ नाक ही कटवाई थी। पर यहाँ पर दोस्तों उस वक्त मेरे पास में लैपटॉप नहीं हुआ करता था तो मेंस की तैयारी के अंदर मुझे मॉक टेस्ट देने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, दोस्तों के लैपटॉप और कंप्यूटर्स को मैं मांग मांग कर अपने मॉक टेस्ट दिया करता था। तो इसकी वजह से दोस्तों उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया लेकिन फिर भी मेंस क्वालिफाई कर दिया बिल्कुल सही नंबरों के साथ में कि जॉब मिल जाएगी, ये होप्स जग चुके थे। टीयर 3 का एग्जाम दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। इतने हार्डवर्क करने के बावजूद मुझे लास्ट में मेरिट आउट हो गया मैं और कुछ नंबरों से ही मैं फेल हो गया था।
बहुत दुख हुआ था दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद में मैं फेल हो गया था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने खुद को समझाया कि मैं कौन सा 30 मार्क का हूँ जो आपके पास में एक ही बार में इतना अच्छा क्रैक कर दूंगा एग्जाम को। तो मैंने खुद को समझाने के बाद में दोबारा से मोटिवेट किया और मैंने कहा कि एक अटेम्प्ट और देते हैं, बिकॉज इस अटेम्प्ट ने मुझे ये तो कंफर्म करवा दिया था कि मैं ये एग्जाम निकाल सकता हूँ और मैं इंस्पेक्टर बन सकता हूँ। तो दोस्तों फिर से मैं 2017 की तैयारी में लग गया, बहुत अच्छा स्कोर लेकर आया, इस बार 165 का स्कोर लेकर आया, पिछली बार से और बेटर था, और जबरदस्त तैयारी के साथ में मेंस की मैं तैयारी लेकर आगे बढ़ रहा था। पर दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, वैसा ही मेरे साथ में हुआ। मुझे आज भी याद है मैं वो 17 फरवरी 2018 की मेंस की शिफ्ट जो SSC CGL 2017 की थी, वो मेरी शिफ्ट आई थी और वो SSC के इतिहास की अभी तक की सबसे डिस्क्रिमिनेटिंग और घटिया शिफ्ट थी। तो अदर जो शिफ्ट वाले थे उनका लेवल और हमारे लेवल में बहुत फर्क था, तो दूसरी शिफ्ट वाले थे वो बाजी मार के ले गए और हम लोग हाथ पे हाथ धरे रह गए। इसके बावजूद भी मेरा स्कोर इतना कम नहीं था कि मैं जॉब की रेस से ही बाहर हो जाऊं, मैं अभी भी कहीं ना कहीं पीछे हो गया था लेकिन दौड़ में अभी भी था। तो मैंने या तो ये करना था कि मैं अपनी हार मान लेता और बैठ जाता, या फिर मैं इस Tier 3 का जो अगला एग्जाम होता है उसमें जी जान लगाकर अपने मार्क्स को कंपनसेट करने की कोशिश करता। तो दोस्तों मैंने सेकंड वाला रास्ता अपनाया कि मेहनत करके तीसरा जो Tier 3 है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, और मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी और मेरा बहुत अच्छा स्कोर भी आया 74 मार्क्स का। और इसी के साथ में मेरा जो टोटल बन गया था SSC CGL 2017 में वो 520 था, लेकिन दोस्तों किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 524 गई थी और मैं 4 नंबरों से फिर से फेल हो गया था। इस फेलियर ने दोस्तों मुझे अंदर से तोड़ दिया, आई वॉज जस्ट शैटर्ड। मुझे ये पता चला कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन क्या चीजें होती है। मुझे आज भी याद है दोस्तों मैं लगातार 7 दिनों तक अपने फेलियर के बाद में ढंग से सो नहीं पाया था। हर वक्त जब मेरी आंखें खुली होती थी, चाहे दिन की 3 बज रहे हो चाहे रात की 3 बज रहे हो, मैं सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा था। और यही देखकर मेरे दोस्त ने बोला कि दीपेंद्र ऐसे करेगा तो तू पागल हो जाएगा, ये सब चीजें बिल्कुल सही नहीं है। मैंने दोस्तों बहुत सारे कोचिंग सेंटरों के भी वहां पर धक्के खाए कि मैं कहीं एजुकेटर की जॉब मिल जाए, कहीं छोटी मोटी जॉब मिल जाए कि अपना खर्चा खुद निकाल पाऊं, क्योंकि अब घर वालों से पैसे मांगना एक जिल्लत सी लगने लग गई थी। फेलियर पे फेलियर, फेलियर पे फेलियर, मैं अंदर से टूटता ही जा रहा था, डिप्रेशन में जाता ही जा रहा था। और ये वो वक्त था दोस्तों जब मैं ये चीज सेंस कर पा रहा था कि कोई इंसान अगर सुसाइड करता है तो वो किन कंडीशंस में सुसाइड करता है, मैंने वो कंडीशंस तक देख ली थी। मैं इस कदर अंदर से टूट चुका हूँ, टूट चुका था। जब वो कहते हैं ना कि जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है, बस वही वाला हाल मेरा भी हो गया था। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा दोस्तों, जब आपकी लाइफ में ऐसा पॉइंट दिखे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, दोस्तों वही समय होगा आपको टिके रहना है, अपने एफर्ट्स लगाते रहने हैं, क्योंकि अगला जो मोड़ होगा वहां पर सक्सेस आपका इंतजार कर रही होगी। तो दोस्तों इस दौरान 2018 का जो CGL आना था उससे कुछ महीनों पहले मेरी शादी हो गई, क्योंकि घर की फैमिली कंडीशंस कुछ ऐसी थी, मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, पापा रिटायर हो चुके थे, मैं घर का जो छोटा था आज वो बड़ा हो चुका था, तो मुझे भी अपनी शादी करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों शादी से मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि मेरी आंखों के सपने आज भी अधूरे थे, मेरी जो वो जिद थी वो आज भी पूरी नहीं हो पाई थी। खैर इसके बाद में मैंने अपनी तैयारी को दोबारा घर से ही स्टार्ट किया, जहां पर मैं दिल्ली में रहकर 8 से 10 घंटे पढ़ पाता था, घर पर रहकर मैं 4 से 5 घंटे भी नहीं दे पा रहा था। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि ऐसे तो मैं अपना एग्जाम कभी अपना क्लियर नहीं कर पाऊंगा और अपनी जिद भी पूरी नहीं कर पाऊंगा। जैसे तैसे हिम्मत करके मैं पापा के पास में गया कि पापा मुझे फिर से तैयारी करनी है, तो पापा ने भी ये सोचा था अब तो इसकी शादी हो गई है, अब ये अपना छोटा मोटा कुछ देख लेगा, और दुनिया भी अब ये मान चुकी थी कि अब ये खत्म है, शादी हो गई है, अब ये इसके बाद में कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज शादी के बाद में अक्सर लोग टूट जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ जाती है तो वो अलग हो जाते हैं। लेकिन मुझे फिर से मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया और पापा से मैंने कहा कि पापा मुझे आखिरी बार एक मौका दे दो, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। पापा ने मना किया था स्टार्टिंग में, ये पहली बार था जब पापा ने किसी चीज के लिए मुझे मना किया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। दुनिया के ताने एक तरफ और पापा का ये वाली बात बहुत चुभने वाली थी, ये वाली बात बिल्कुल एक तरफ थी। पर इस सब के बावजूद पापा ने हाँ कर दिया और कहा चल ठीक है आखिरी अटेम्प्ट तुझे देता हूँ मैं। और मैंने कहा था पापा ये आखिरी अटेम्प्ट मुझे दे दो, इस बार किस्मत में ना भी लिखी हुई तो मैं किस्मत से छीन कर लेके आऊंगा अपनी ये वाली जॉब, और आपका सपना और मेरा सपना भी मैं एक दिन जरूर पूरा करूंगा। तो फिर दोस्तों मैंने अपना बैग उठाया, दिल्ली चला गया। शादी के जस्ट अभी 1.5 महीने ही हुए थे और 2 महीने बाद में मेरा CGL प्री का एग्जाम था। अब मेरा माइंड बिल्कुल
डिटरमाइंड था, मुझे अच्छे से पता था मुझे क्या करना है और कोई गलती नहीं करनी है। मैं बहुत डिसिप्लिन और सिंसेरिटी के साथ में अपनी तैयारी को फिर से शुरुआत दी मैंने। सीजीएल का प्रीलिम्स जब आया तो मेरे 182 मार्क्स आए 200 में से, मेंस दिया बहुत अच्छा स्कोर आया, डिस्क्रिप्टिव दिया बहुत अच्छा स्कोर आया। आज आपके सामने खड़ा हूँ मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनकर दोस्तों, ये वो आग ही थी दोस्तों जिसने मुझे आज एक लूजर से एक इंस्पेक्टर बना दिया और आपके सामने मैं कामयाब होकर खड़ा हूँ। इस जर्नी ने दोस्तों, ये जर्नी नहीं थी, इसे मैं तपस्या कहूंगा, मुझे इतने 5 साल लग गए इस जर्नी के दौरान। मैंने डिलीजेंसी, हार्डवर्क, प्रिजिवरेंस, पेशेंस, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये सारे पार्ट मुझे इस तपस्या ने सिखा दिए। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल कचरा था, जिसे कुछ भी नहीं आता था जिंदगी में, आज वो एक ऑफिसर बन चुका है और जिसके पास खुद का एक छोटा सा इंटेलेक्ट लेवल भी है। आप ये सोचिए दोस्तों कि जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट किया था वो बिल्कुल स्क्रैच से था, ना इंग्लिश, ना मैथ्स, ना रीजनिंग, ना जीके, किसी में भी मैं अच्छा नहीं था। हालांकि आज तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, खुद जोश का अपना एक ऐप है जिसके ऊपर आपको बहुत सारी अच्छी सी गाइडेंस मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन उस समय ये नहीं सब कुछ था। लेकिन फिर भी मैं अपने गोल के लेकर लगा रहा, जब तक मुझे अपनी मंजिल नहीं मिल गई तब तक मैं लगा रहा। मैंने कभी अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं किया, वो आग मैंने हमेशा अपने दिल में जला के रखी और ये उसी आग का नतीजा है दोस्तों कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, मैं एक लूजर से एक जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया दोस्तों। तो आप भी अपने दिल की वो आग पहचानिए, फिर देखिए आप जिंदगी में वो सब कुछ भी कर पाएंगे जिसका आपने कभी सोचा नहीं था कि आप ये कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब रॉकेट में आग लगती है तो वो ऊपर की तरह उड़ने लगता है, तो आप भी अपने दिल में आग लगाइए और ऊपर की तरह उड़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा सैलरी मिलता था, तो मुझे बहुत बुरा फील होता था कि इसे काम करने का नॉलेज मुझे ज़्यादा है, सिर्फ मुझे इंग्लिश नहीं आता है। बहुत शर्म सा महसूस होता था। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से, उसका नाम है घुंघरड़िया। मैं वहाँ 12वीं तक पढ़ाई अपने गांव से किए, उसके बाद दिल्ली आ गए जॉब करने के लिए। अब मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ वहाँ का बॉस ने मुझे बताया कि एक ऑनलाइन क्लास जोश स्किल नाम से है, तो उस पर आप इंग्लिश सही कर सकते हो। जोश स्किल के डाउनलोड करने के बाद उसमें फीचर था ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, और उसके बाद है पार्टनर कॉलिंग, उस पर आप बेहिचक बातें कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना देर तक स्टूडेंट से बातें कर सकते हैं। बहुत अच्छा फील होता है, जैसे लग रहा है कि मैं एक अच्छे कॉलेज में इंग्लिश सीखने जा रहा हूँ। थैंक यू जोस फॉर मेकिंग मी फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ।